जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर से न्यूज, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कमांडो के न्यूज। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी को लेकर है। आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2024 वाला जो रिजल्ट आने वाला था पिछले एक महीने से आया नहीं है, और अब लगातार इसकी जो अपडेट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी बच्चों को ये लग रहा है कि कल है 4 जून। क्या 4 जून इलेक्शन का रिजल्ट आने के साथ ही एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाएगा? भाई देखो, कल वाला रिजल्ट तो सबको पता है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता कि आप इस बार फौजी बनने वाले हैं या नहीं, तो इसका कब पता चलेगा, इसको लेकर काफी ज्यादा संशय बना हुआ। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ज्यादा चांस है कि जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जुलाई में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। जो डिले हुआ था उसका मेन रीजन इलेक्शन था, और उस वीडियो में मैंने आपको उसका मुख्य तौर पर क्या कारण है जिसकी वजह से ये रिजल्ट डिले हो रहा, वो सब कुछ बताया था। तो अब इस वजह से बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कल 4 जून है इलेक्शन का रिजल्ट, के साथ ही एसएससी जीडी का क्या रिजल्ट भी आएगा। तो मैं आपको बता दूं, कल तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर कल इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा तो मैं आपको बता दूं लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट इस मामले में बिजी रहते हैं, और सभी डिपार्टमेंटों की ड्यूटी इलेक्शन बोर्ड में लगी हुई रहती है। यहां तक कि बैंक के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो भी इतने बिजी होते हैं कि उनको भी इलेक्शन जो बोर्ड है वो काम में लेते हैं, अपने उपयोग में ले लेते हैं। तो कल तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में एसएससीडी का रिजल्ट आएगा। 4 जून को तो बहुत कम चांस है, कल तो आप चुनाव परिणाम ही देख पाओगे, अपना खुद का परिणाम नहीं देख पाओगे। तो परिणाम आने के अगले दिन है, यानी जून के अगले, अगर हम मान ले 5-6-7 तारीख, इन 3 दिन में से किसी एक दिन आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। पक्का है, किसी भी दिन आप आंख खोल के किसी दिन आपको खड़े होकर हम बता देंगे भाई रिजल्ट आ चुका है, जाके देख लीजिए अपना रिजल्ट, किसके कितने नंबर बढ़े और कौन कौन फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा। साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखे थे कि सर कितने नंबर बढ़ेंगे हमारे, वो उस पे इतना बता रहे। इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप ज्यादा चिंतित ना हो, सभी के नहीं बढ़ेंगे नंबर, कुछ बच्चों के बढ़ेंगे, कुछ के नहीं भी बढ़ेंगे, समझ गए बात को। और साथ में रिजल्ट के साथ में वो सब चीजें भी आपको क्लियर हो जाएगी। जुलाई में आपका फिजिकल है, इसके फायदा है, क्योंकि जून का महीना इतना गर्म है, और स्पेशली जो बच्चे राजस्थान में फिजिकल देने वाले थे ना, उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि फिजिकल का समय ऐसे जीडी में 8-9 बजे के आसपास का रहता रनिंग का, उस समय तो आपकी बहुत भयंकर हालत खराब हो जाती। जुलाई में फिजिकल गया है, ये आपके लिए फायदे की बात है। जिन बच्चों की रनिंग नहीं बनी है वो भी अभी बना सकते हैं, ठीक है। और अब आगे ठंडे दिन, मतलब जुलाई में काफी ठंडा रहेगा मौसम, अभी के बजाय जो 50 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है उसकी बजाय वो 40 तक आ जाएगा, और ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। आपके मतलब देर भाई लेकिन अच्छी भाई, समझ के बात को, देर तो हुई लेकिन आपके फायदा हो गया, नहीं तो आप में दिल्ली पुलिस वाले हो जाते। दिल्ली पुलिस में आपको पता है केवल 8-9% बच्चे ही पेपर पास कर पाए थे, तो ऐसा आपके साथ भी हो जाता। तो अब पूरे पूरे चांस है कि जून के फर्स्ट वीक यानी 5-6-7 तक आपके रिजल्ट आने के, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, समझ गए बात को। जुलाई में आपकी फिजिकल है 101%, अब जुलाई में हो सकता है 10 तारीख से शुरू हो जाए या 15 या 20, किसी भी तारीख से शुरू हो जाएंगे, लेकिन पक्के है लाड लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।